ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। वो भी जो सा भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो इसी तरह ये पर लिख के देखें, तो ये उसी पार्ट में जो मैंने दिया हुआ है उसी एरिया के अंदर ही रहेगा जितना भी आपने सेलेक्ट करके दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह कोई और ले लें टेक्स्ट, तो टेक्स्ट की बाकी प्रॉपर्टीज वही हैं, इसका फॉर्म का आपने चेंज करना है, इसको बोल्ड करना है, फॉर्म चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो सारा वैसा का वैसे ही है जो सिंपल टेक्स्ट के लिए थी प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, ये इस एरिया के अंदर रेक्टेंगल शेप में है, इसी तरह आप कोई और शेप ले लें, एलिप्स ले लें, एलिप्स के अंदर ठीक है इसको सेंटर कर लें, एरिया टाइप टूल यहाँ पे आप लेके आए। ठीक है, फॉन्ट वही है जो पहले आपने दिया है, बाकी आपका जो टेक्स्ट है वही इस एरिया के अंदर आ गया, मींस आपका जो ये देखेंगे सर्कल में एडजस्ट हो गया, जितना भी आपका टेक्स्ट था वो आपका सर्कल में एडजस्ट हो गया। बाकी इसकी एडिट आपने कैसे करना है वो बिल्कुल वैसे ही है, आप सिंपल टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट जाएँ किसी भी जगह के ऊपर लेके आए, इस तरह सिलेक्ट करवा रहे हैं, इसको डायल कर दें ठीक है, और यहाँ पर आप अपना लिखना शुरू कर दें। ये सर्कल में जो टैक्स है ये खुद को सर्कल में एडजस्ट करेगा, बाकी प्रॉपर्टीज वही टैक्स का साइज ये आपने कैसे करना है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको पैराग्राफ की जो सेटिंग है, लाइन लेफ्ट करना है, आपने सेंटर करना है, लाइन राइट करना है। ठीक है, वो टैक्स खुद को जो है इधर ही इसी एरिया के अंदर ही एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इसकी और प्रॉपर्टीज अगर देखें, आपने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला एरिया वाला, ठीक है अभी जो आप रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज में आपने जाना है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लें। ठीक है, डबल क्लिक किया तो ये इसकी आपके पास आ रही है वेट हाइट, ठीक है जो आपने एरिया सेलेक्ट करके दिया हुआ उसकी। ठीक है, आगे ये स्पैन दिया हुआ है, रोज की स्पैन है, कॉलम की स्पैन है, ये रहती हैं, ये भी इनको भी देख लेते हैं। एरिया टाइप टूल ये लिखा भी हुआ है, एरिया टाइप ऑप्शंस, ठीक है स्पैन की आप स्पेस ज़्यादा करें। ठीक है, ये देखेंगे नीचे से जो है इसका एरिया, इसकी जो है ना ये नीचे को ज़्यादा हो रहा है स्पैन। ठीक है, इसी तरह स्पैन का जो है गैप नहीं यूज होता है मोस्टली, जो है जब हम स्पेसिंग देते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना और वहाँ पर स्पैन जो हम प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इधर इसको मैं कम कर देता हूँ, वही जितना था पहले नीचे से जगह ले रहा था और उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, इधर भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, अच्छा नंबर ऑफ रोज है, अभी एक यूज हो रही है, इसको आप इस तरह करेंगे तो अभी देखें रोज बन गई है, सेपरेट हो रही है, 1 2 3 इधर भी 3 ज़्यादा कहें, 4 5 6 जितनी भी आप करेंगे ये रोज ऐड हो रही है, ये रोज के अंदर आपका चला जाएगा डाटा। इसको बंद नहीं करते हैं अभी, एक ही रो और इनको ज़्यादा करते हैं, कॉलम को इस साइड पे अलाइनमेंट हो जाएगी कॉलम, ये देखें अगर आपके पास टेक्स्ट है कुछ इस तरह का कि एक आप इस पोर्शन में लेके आना चाह रहे हैं, किस में आना चाह रहे हैं, ठीक है अपने एरिया के अंदर, इसको अगर ज़्यादा करेंगे देखें आपका टेक्स्ट जो है इस तरह 3 लाइन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे अगर जितने ज़्यादा करते जाएंगे आप तो उधर हो जाएगा। इसी तरह का आपने कोरल में भी देखा था जब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में गए थे, एडवांस प्रॉपर्टीज़ में, कि इनके रोज में कैसे करना, कोरल में कैसे करना, जब पैरा लिख रहे थे। ठीक है, इसी तरह ये है, ठीक है ये भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये गैप वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये स्पैन, स्पैन का आपको पता चल जाता है, ये वाली स्पैन आप यूज़ करना चाहें तो इधर को इसकी जो है स्पेसिंग आएगी। ठीक है, जिस तरह रो की स्पैन आपने यूज़ की तो नीचे को स्पेसिंग आ रही थी आपकी, कॉलम की करेंगे तो वो दोनों वाली जो स्पेस है ये इंक्रीज हो गया, आपके जो सर्कल का जो शेप है वो भी चेंज हो रही है, अगर आप नोटिस करें तो ये भी चेंज है, ऐसे ओवल शेप जो है वो बन रही है। ठीक है, जिधर स्पैन इसकी यूज़ की थी आपने
तो ये इस तरह इधर को आपकी शेप चेंज हो रही है कुकर से नीचे रो की शेप में। ठीक है, इसी तरह ये है, ये अभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टेस्ट वही है। ठीक है, इसको वन वन ही कर लेते हैं, नंबर ऑफ वन और कॉलम वन। अच्छा, ये क्यों नीचे चला गया, क्योंकि आपने ये वैल्यू चेंज कर दी किया स्टैंड की वैल्यू। ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, ये आपने चेंज किया है, इस वजह से आप कोई नया लेके उधर एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इसको मैं जो है जैसे पहले था वैसे कर दिया। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं। अभी कोई रिक्टेंगल लेते हैं, उसका एरिया सिलेक्ट करवाते हैं रिक्टेंगल का ऐसे, जिस तरह कोई पैरा आप लिखना चाहें, पैराग्राफ जो है लिखना चाहें उसको कैसे लिख सकते हैं। एरिया टाइप टूल, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देगा आपका टेक्स्ट ऊपर से इसकी अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेंटर। और ये इधर भी आ रहा है आपके पास ऑप्शन एरिया टाइप टूल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही आपके पास प्रॉपर्टीज आएंगी जो भी हमने डिस्कस की है। ठीक है, इसके बाद ये सेंटर बॉटम, ठीक है, ये किस चीज़ का सेंटर और बॉटम कर रहा है, उधर जो आपने अभी देखा था उधर ये असरअंदाज नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसकी स्कैनिंग की हुई थी इस वजह से। तो अभी आप करना चाहें, ठीक है, ये एरिया टाइप जो आपने इसको एरिया सेलेक्ट करके दिया है, ये उसके हिसाब से सेकंड टाइम में टॉप के ऊपर करेंगे टॉप पे चला गया। ठीक है, बॉटम इसकी एम्प्टी है। इसी तरह सेंटर करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा जो आपने एरिया दिया हो, और बॉटम, फिर इसके बाद जस्टिफाई है पूरे एरिया के अंदर, जस्टिफाई हो गया, एडजस्ट हो गया आपका टैक्स। ठीक है, बाकी जितने इसकी वैसी ये। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म का ये वैसे ही है इसका, मतलब ट्रांसफॉर्म है कि आपका एरिया की विड्थ और हाइट जो आपने रेक्टेंगल सेट करवाई थी उसकी वैल्यू है। ठीक है, और इधर इसका एंगल वगैरह, ये तो हाइट में यूज होगा, इसको नहीं हम देख रहे, ये अलाइनमेंट का आपको पता ही है, इसको इधर ही रहने में। और अलाइन टू सिलेक्शन, लाइन टू आर्टबोर्ड, हम लाइन टू आर्टबोर्ड की अलाइनमेंट का ही है, इसका टाइपिंग टूल के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये वाली चीज़ें एरिया टाइप टूल के ऑप्शन एक बार फिर देख लेते हैं। एरिया टाइप इधर डबल क्लिक कर लेंगे या इधर से निकाल लें, एक ही चीज़ है। ठीक है, हमने किया इसकी, अभी देखें आपको जो है इसका डिफरेंस पता चलेगा। नंबर ऑफ रोज हम टू कर लेते हैं, ये दो रोज में डिवाइड हो गया आपका एरिया जो है। ठीक है, इसी तरह थ्री में करें आपके एरिया वन टू और ये थ्री, इसको वन नहीं करते हैं। और जो आपके कॉलम्स हैं, अच्छा कैंसिल करें, जो आपके कॉलम हैं उनको आप, अच्छा इधर से भी आपको बता दूँ, इधर से करना चाहें तो दो बार क्लिक कर लें डबल क्लिक, तो आपके कॉलम्स तो इस तरह से आपका एरिया जो है डिवाइड हो गया, टू कॉलम्स किए आपने, थ्री किया, वन टू थ्री। ठीक है, ये थ्री के अंदर आ गया आपका। ठीक है, इसको ओके करें, कुछ इस तरह से बन गया आपका। अभी आप अपना सिंपल टैक्स ले लें, उससे ये सिलेक्ट करवा लें टैक्स, फिर अभी ये अलग अलग पड़ा हुआ है, देखिए नेक्स्ट में नहीं गया, जो आपका नेक्स्ट वाला टैक्स है उधर नहीं गया। इसका कोई आप कलर चेंज करना चाहें कुछ इस तरह से, तो डिफरेंट कलर करना चाहें, ये वाला सिलेक्ट करवा लें, सॉरी ये वाला सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ऐसे हो गया, इसको ब्लैक ही रहने में। अभी इसको सेंटर सेंटर कर लें, वैसे ऊपर चला गया। तो इस तरह से आपका जो जो भी एरिया आपने दिया उसकी आप बाद में भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, उसको रोज में कॉलम्स में आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वन बाई वन यही था इसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया टाइप को एक बार फिर देख लेते हैं, सेटिंग का सारा हो गया हुआ। इसको मैं अप्लाई करूं तो अडोब इलस्ट्रेटर वार्निंग जैसा एक दे देता है मुझे साइन, यू मस्ट क्लिक ऑन अ नॉन कंपाउंड नॉन मास्किंग पाथ टू क्रिएट टैक्स इनसाइड अ पाथ। ठीक
ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ बाद में, अभी वेट करें। ये हो गया, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और कार्डबोर्ड ले लेते हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं। और आपने फ़ॉन्ट चेंज करना हो वो आपको पता है सारा, फ़ॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करने हैं, पहले भी हमने देखा हुआ है। इधर से आगे कोई सा भी सिलेक्ट करवा सकते हैं आप, ठीक है। या अगर आपने सपोज आप कह रहे हैं कि ये जो सेंटर में आ गया टैक्स, इसका सिर्फ मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर लें अपना टैक्स, इसका फ़ॉन्ट जो कोई और करना चाह रहे हैं आपको ये कर लें, ठीक है। तो वही वाला आ गया, पहले भी यही अप्लाई था इसलिए चेंज नहीं हुआ, इसको ये कर देते हैं। तो इसका फॉर्म भी है जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक टैक्स को सिलेक्ट करके आप फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी की कॉपी कर लेते हैं, आर्टबोर्ड की कॉपी कैसे करनी है वो आपको पता ही है, शिफ्ट ओ प्रेस कर लें या इधर से आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लें या इधर आर्टबोर्ड के ऑप्शन में जाएँ, यहाँ से आर्टबोर्ड की कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलें यहाँ से ही कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इसके बाद है। और नीचे टाइप ऑन कार्ड, ये हमने लास्ट टाइम भी देख लिया था, अभी भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आपने जो भी से कार्ड दिया वो उसी कार्ड के ऊपर जो है आपका टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, तो वो कैसे करना है चलें एक बार वीकली देख लेते हैं। टाइप ऑन कार्ड, पहले हमें कार्ड देना पड़ेगा कोई कार्ड, कोई सी भी, इधर आप यही वाला लिप्स में मोस्टली यूज होगा ये, या आपके वो बैनर पे, अभी बैनर तो नहीं है हमारे पास, लिप्स पे ही देख लेते हैं। इसके ऊपर आपने करवाया है, इधर जाएं आप टैक्स में, पहले भी सिलेक्ट किए हुए टाइप ऑन कार्ड, एक बार क्लिक करें इधर, ठीक है। जो कार्ड का है ना उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जो सर्कल का कार्ड है ये पहले फिल था, अभी ये ब्लैंक हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो इसके ऊपर आपकी वही कोर्स का नेम जैसे उर्दू में हो गया, कीबोर्ड उर्दू है इसकी, क्रिएटिव डिजाइनिंग, ये आपकी कोर्स का नेम लिख लेते हैं, डिजाइनिंग, ठीक है। ये आ गया आपके पास इस तरह, ये साइड पे चला गया। आप सिंपल वे इस तरह कि आप इसको इस तरह कर लें, वेट कर लें, ये उधर ही रहेगा, सर्कल जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा आपका जो है, आप इसको सेंटर करना चाहें अपने टैक्स को, इधर से भी कर सकते हैं, पहले तो इसको सेंटर कर लें, ठीक है। इधर से भी कर सकते हैं, डिफरेंट वेज हैं जैसे भी आप करना चाहें, या फिर आपके पास ये इधर आ रहे हैं आपको जो गाइड्स बने हुए इधर, ठीक है, इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़ें, अच्छा ये है इसका जहाँ पे आपने इसको स्टार्ट किया, तो देखें उससे नीचे आएंगे तो आपका टैक्स भी नीचे आ जाएगा, ये पैसे, ठीक है, इसको ले गए आपका टैक्स भी नीचे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे ये देखें यहाँ से ख़त्म हो रहा है, ये जो ड्रैगिंग एरिया है जहाँ से आपने स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप एडजस्ट कर सकते हैं, इधर ख़त्म हो गया ये, इसलिए ये नीचे आ गया टैक्स। इसको दोबारा करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ये जो ही वहाँ पे पहुँचेगा जो आपका ये वाला पॉइंट है, तो खुद ही जो है ऊपर चला जाएगा आपका टैक्स, ठीक है। ऐसे इधर है, ये यहाँ पे पहुँचेगा तो नीचे आएगा, ये जहाँ से आपने स्टार्ट किया हुआ है ना, जहाँ आपका पॉइंट लगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दूसरा ये कि आपने अपने टैक्स को करना है उसको जिस तरह आप टाइप ऑन कार्ड के ऑप्शन में जाके देखते हैं कि इसको इनर करना है, इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, तो ये आप इसको जो लाइन है जो आपने कपड़ी हुई है अभी इसको करें, मतलब मूव करवाएं इनर या आउटसाइड, तो ये आपका टैक्स खुद ही जो है इनसाइड और आउटसाइड हो रहा है, ठीक है। ये अभी आउटसाइड है, मूवमेंट इसी से ऊपर नीचे इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, ऐसे। और इसको बाहर लेके जाना, तो इसको एक बार जो लाइन है इसको बाहर ले जाएंगे, अंदर ले जाएं आपका उधर ही एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं फिलहाल, सिंपल से ही हम देखते हैं, ठीक है।
इसको अपनी जगह भी रहने देना। ये पॉइंट इधर भी है, इधर भी शो हो रहे हैं, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स, ये जो बॉक्स बना हुआ है आपका, बॉक्स के साथ आ रही हैं लाइन, इनको पकड़े हैं तो ये आपकी सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। ये वो आगे वाला वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी इसी एरिया के अंदर ही जो है ना आपका टैक्स रहेगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा करें तो इसके बाद आप देखें कि आपका टैक्स जो है थोड़ा सा और टैक्स ऐड करते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा पहले तो ये है कि ये वाली जो आपकी लाइन लगी है, लेकिन आप अभी जो टैक्स ऐड करें आप इस लाइन से आगे नहीं आ रहा, ये वाला जो पॉइंट लगा हुआ है ये बॉक्स, ठीक है, इससे आगे नहीं आ रहा आपका टैक्स, और इस बैक साइड भी जा रहा है, यहाँ तक आएगा आपका टैक्स जितना भी लिखेंगे। ये देखें जो आपने ब्लॉक है दो आपको नज़र आ रहे हैं, वन और ये टू, ठीक है, इनसे आपका जो है टैक्स क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, इनके मतलब दरमियान में रहेगा यहाँ से यहाँ तक। जो कुछ और ऐड करें यहाँ तक आ जाएगा टैक्स, आपका इस एरिया में टैक्स नहीं आएगा। तो आपने इनको कैसे एडजस्ट करना है, इनको एडजस्ट करने के लिए ये देखें ये पॉइंट्स हैं, इनको ऐसे मूव कर दें, इसी तरह ये वाला है इसको मूव कर दें तो आपका टैक्स इधर आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप सर्कल को भी ऐसे मूव करवा सकते हैं अपने टैक्स को एडजस्ट करने के लिए, ये या ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम कह रहे हैं कि अपना टैक्स जो है हमारा इन दो पॉइंट्स के दरमियान आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी आपका टैक्स जो है इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा, ऐसे कुछ टाइप करके देख लेंगे, इसका साइज ज़्यादा करें तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें जो आगे आना था आपका टैक्स वो गायब हो गया, ठीक है, या कुछ इधर टाइप करके भी आप देख सकते हैं। ये अब अभी आप जो टाइप करेंगे वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट्स की जो बाउंड्री है उनसे बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा ये इस चैप्टर 2020 आपका है, ये आपने लिखा लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा अभी, ठीक है। वो कैसे नज़र आना है, या तो आप उस पॉइंट को मूव करवा लें थोड़ा सा नीचे, अभी मूव नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी आपका जो पॉइंट था जो आपने पकड़ा हुआ है उसको मूव करवा लें तो ये आपका शो हो रहा है 2020, ठीक है। पहले पॉइंट यहाँ पे था एंड हो रहा, ठीक है, उससे आगे नहीं था जा रहा आपका जो टैक्स था, अभी आपने ये किया तो 2020 भी आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये दोबारा से कर लेते हैं, अभी इसको पूरे को रोटेट कर लें जहाँ भी आपका सेंटर हो रहा है, सेंटर कर लें, सेंटर करने के और भी भेज हैं रूरल का लें दोनों साइड पे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कर लें और इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लें ऐसे, ये भी सेंटर है, सही है। ये देखिए जहाँ पे आपको लगे कि इक्वल है यहाँ से भी आप कर सकते हैं जैसे भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें। अच्छा ये हो गया, अभी आप चाह रहे हैं कि टैक्स हमारा नीचे भी आ जाए, उसको कैसे करना है वो पहले भी देख रहे हैं, से देख लेते हैं कंट्रोल सी और एफ सी की कॉपी कर लें और इसको ऐसे नीचे को ड्रैग कर लें, ठीक है। एक वे तो ये है, अभी आपका टैक्स जो है वो इधर पड़ा हुआ है नीचे की जाने, इसका एक वे तो ये है कि आप इसको चलें क्विक वे जो है वो चाहता हूँ, आप जाएँ टाइप में और टाइप ऑन अ पाथ आएंगे तो इसके ऑप्शन जो है टाइप ऑन अ पाथ के ये आपको नज़र आएंगे, ठीक है, टाइप ऑन अ पाथ के ऑप्शन, ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, टाइप ऑन अ पाथ, ये इफेक्ट कौन सा है, रेनबो है, स्क्यू है, जो सा भी आप रखना चाहें, ये जैसे भी है रेनबो यही रहने में, क्लिक करें रिव्यू करें तो ये आपका टेक्स्ट जो है देखें कैसे हुआ, ठीक है। ये आपको हैंडल अंदर है छोटा सा अगर नज़र आ रहा हो ये वाला, ठीक है, चाहें तो आप इसको कर लें ऐसे, ठीक है, आपका टैक्स ऐसे भी मूव हो जाएगा। अगर नहीं ये मेरा इसको यूज़ करने में आपको कोई परेशानी हो रही है
तो आप उधर से जाके करने ऑप्शन से इधर से भी कर सकते हैं, अगर इधर से नहीं हो रहा ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ या इसी को जो है रिवर्स कर देता हूँ, ये हैंडल पकड़ें इसको बाहर कर दें, पहले भी आपका ऐसा ही था अभी भी बाहर चला गया ठीक है। दोबारा आते हैं इसके ऊपर, टाइप टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शंस और प्रीव्यू करें, इधर से फ्लिप करें, फ्लिप करें मीन्स इस जो ये जो आप कर रहे थे इसका हैंडल से पकड़ के वो भी फ्लिप था, फ्लिप का ऑप्शन था, या यहाँ से भी आप कर सकते हैं ठीक है। अभी क्या है नीचे वाले ऑप्शन अलाइन टू अ पाथ, अभी ये अलाइन टू अ पाथ तो है लेकिन कहाँ पे है, बेस लाइन के ऊपर, लाइन के बिल्कुल ऊपर है, या असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो बाहर चला जाएगा आउटसाइड ठीक है, जैसे अभी हमने फ्लिप किया था इस हैंडल की मदद से। दूसरे ऑप्शन है डिसेंडिंग ठीक है, ज़्यादा ही इनसाइड जो लाइन है आपके उसके इनसाइड, सेंटर सेंटर करेंगे लाइन के सेंटर में, मतलब पाथ जो आपने सेलेक्ट करवाया हुआ है उसके सेंटर में ठीक है, या बेस लाइन, बेस लाइन वही जो पहले सेलेक्ट थी। तो अभी आप जो सा भी करना चाह रहे हैं चलें सेंटर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, अभी ओके करें इसको और इसको ऐसे आप सेंटर कर सकते हैं ऐसे करके। आपको एक मेथड बताया कि आप रूलर लगा लें ऐसे जहाँ पे भी आप समझें कि ये इसकी सेटिंग होनी चाहिए वहाँ से कर लें, या वो जो बॉक्स का आपको बताया वो एडजस्ट कर लें, यानी क्विक वे जो है आप ऐसे कर सकते हैं इसको डल कर दें। तो अभी कुछ इस तरह से आपका जो टेक्स्ट नीचे आ गया, बाकी सेटिंग वही आप इसका कलर चेंज करें इस तरह से ठीक है, कुछ भी ये वाला मैं डल कर इसको सेंटर में कर लेते हैं, इधर से भी आपका हो गया दोनों साइड से मीन्स ऐसे जो है ऊपर से भी ये कर्व है और नीचे से भी कर्व है और आपको रीडेबल भी है टेक्स्ट। बाकी फॉन्ट आप चेंज करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, या अपने लोगो में कहीं यूज़ करना चाहें इसको, तो अभी आप यूज़ कर सकते हैं। लोगो में करना हो तो हमने जो ज़्यादातर मिलता है यूज़ इसका, तो इस तरह आपका सर्कल होता है ये जो भी बन गया वो आपके पास ठीक है, ऐसे सर्कल में ये जो है मूव हो रहा था आपका टेक्स्ट। ये बेस लाइन नहीं ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, टाइप ऑन अ पाथ और सेंटर, अच्छा वो नहीं अच्छा, इसको भी सेंटर कर लेते हैं ताकि दोनों जो है उनका डिस्टेंस सेम हो जाए। लेकिन ये देखें अगर इसको करेंगे तो जो आपकी टेक्स्ट की वर्डिंग है जिस तरह ये जी है ये बिल्कुल साथ मिल गया होगा आगे ठीक है, ये वाला जी, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जहाँ पे भी देखेंगे आप इसका डिस्टेंस सेम हो गया वहाँ पर आप इसको खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर असेंडिंग करेंगे तो ज़्यादा ही नीचे, डिसेंडिंग बाय हो गया, बेस लाइन पर कर लें आप इसको ठीक है, ओके करें। नीचे वाले को भी बेस लाइन पे करें तो उसका इफेक्ट आप देखें, टाइप वाला पाथ सेंटर में है उसको बेस लाइन पे कर लें ठीक है, बेस लाइन पे करेंगे तो वो जो है इनसाइड हो जाएगा ठीक है, इनसाइड चला जाएगा वो फिर इसको सेंटर में कर दें, चलें तो थोड़ा सा वो बाई कर लेते हैं वैसे भी यहाँ पे कर लें जहाँ पे भी आपको लगे। ये क्यों डिस्टेंस जो है आपको चेंज करना है क्योंकि अभी जो आपकी राइटिंग स्टाइल है वो ऐसे ऊपर से नीचे आपको शो हो रही है, ये देखें मतलब यहाँ से ऊपर को जा रही है और ये वाली इधर आके रिवर्स हो गई है, इसलिए वो डिस्टेंस का जो है गैप आ जाता है, मतलब गैप कम या ज़्यादा हो रहा है राइटिंग स्टाइल की वजह से ठीक है, क्योंकि ये आपका कर्व ऐसे बांध रहा है इधर आके इस तरह से बांध रहा है ठीक है। तो इसका एक और ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, टाइप ऑन अ पाथ रेनबो और ये ठीक है, ये इधर इसके इफेक्ट्स हैं और इनकी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। रेनबो था पहले जो सिंपल है, स्क्यू करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट वो जैसे ठीक है, इसी तरह ये 3D रिबन ठीक है, स्टेयर्स स्टेप्स जिस तरह इधर से स्टार्ट हो रहा है स्टेयर्स आपकी ऐसे है और ये ग्रेविटी
ग्रेविटी वाला ऐसे ही है सिंपल, इसको रेनबो रहने देते हैं। ठीक है, ये चीजें होगी आपकी। और इसमें क्या है, स्पेसिंग का, स्पेसिंग का कोई इशू नहीं, स्पेसिंग वही है। अच्छा, स्पेसिंग जो आपकी टेक्स्ट की स्पेसिंग है उस चीज की है। ठीक है, ये यहाँ से ज्यादा हो गई है, इधर से कम हो गई है। टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर जो स्पेस आई है जो वो है, इसको ओके कर लें। ठीक है, तो इस तरह ये आपका टेक्स्ट जो है वो आप इसको एडजस्ट कर लें। तो ऊपर से लग रहा है आपको भी ये ज्यादा है, इसको थोड़ा सा आप नीचे कर सकते हैं ऐसे। चलिए, ये चीजें होगी। अच्छा, इस सर्कल को भी आप दूसरा कर लें। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ ऐसे ब्लैक कर लें ताकि डिफरेंस आपको नजर आ जाए इस तरह। इसी तरह आप इसको बाहर ले भी जाना चाह रहे हैं सर्कल को, एक कॉपी इस भी कर लें। और इस तरह से आपका टैक्स जहाँ पे भी एडजस्ट हो रहा है वहाँ पे ये सर्कल रख दें। तो ये जो आपको सर्कल लोगोज नज़र आती हैं, सर्कल इधर आप कोई सा भी और शेप्स ऐड करना चाहें, ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें, वो आप यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं। आपका टैक्स हो गया, ऊपर से भी नीचे से भी पास के ऊपर चला गया, तो अभी आपका जो है सर्कुलर लोगो है वो रेडी है। और बाकी यहाँ से स्पेसिंग इसकी देख लें, अगर कम ज़्यादा आपको लग रही है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे स्टेरिक आप ऐड करना चाह रहे हैं इस जगह के ऊपर, पहले तो इसको सेंटर कर लें। आपके जो सर्कल का है इधर ये लगा सकते हैं आप। ये क्विक गाइड्स हैं बेसिकली, ये रूलर वगैरह लगा के आप इसको सर्कल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसी की कॉपी कर लें, एक कंट्रोल सी और एफ से दूसरी साइड पे ले लें इसे। ठीक है, इधर ये इनको कोई कलर आप देना चाहें, रेड करना चाहें, जो सा भी आपने रखा हुआ। ये हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, रेड और जो येलो है, क्योंकि इधर ऊपर पड़े हुए हैं इसलिए। ठीक है, और इसके अलावा ये टैक्स का हो गया सारा। बाकी आप बाद में अपने लोगों को जो है चेंज करना चाहें, कोई इसकी यहाँ से कटिंग करना चाहें, वो आप सबको पता है वो कैसे करनी है। जल्दी से वो देख लेते हैं, यहाँ पे एक रिक्टेंगल लगाएं जहाँ पे स्टेरिक का फ्रेम का हो रहा है। कोई और शेप्स आप देना चाह रहे हैं इसके सेंटर में कर लें, ऊपर नीचे दोनों के सेंटर। अभी यहाँ से आप कट करना चाह रहे हैं, कट भी कर सकते हैं। तीनों को सिलेक्ट करवाएं ऐसे, और वही शेप बिल्डर टूल लें अपना। यहाँ से आप इसकी कोई शेप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से ये निकालना चाह रहे हैं, अपना जो टैक्स है, अपने लोगों का ब्रांड नेम है, वो यहाँ पे कुछ राइट करना चाह रहे हैं। वैसे तो ये ऊपर नीचे भी लिखा हुआ है स्लोगन, ये चीज़ें लोगों का नेम, स्लोगन नीचे भी है। इधर भी कुछ ऐड करना चाहें उसके लिए, ये कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहें या दूसरी चीज़ें, ये इस तरह से इसकी शेप चेंज होगी। अभी इसको आप निकालना चाहें वो निकाल दें, इस तरह कटिंग भी होगी है, तो जैसी भी आप शेप देना चाहें। ठीक है, इसको इधर ही रहने देते हैं अभी। इधर कुछ भी आप ऐड कर लें, तो जब आप लोगों कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ नेम लिखने, कंपनी का ब्रांड नेम लिखने, ऊपर नीचे भी है। अगर कोई और ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो इधर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टाइप ऑन अ पाथ, इसका ज़्यादा यूज़ आपको मिलेगा, टाइप ऑन अ पाथ इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह नेक्स्ट जाते हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं। मैंने आर्ट प्रेस करके कॉपी की है इसकी, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आर्ट प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी आप ड्रैग करेंगे वहाँ पे इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर चलें, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे जाएं तो आपके पास है वर्टिकल टाइप टूल, जिस तरह ही हॉरिजॉन्टल आपका सिंपल टेक्स्ट हो रहा है, इसी तरह ये वर्टिकल है, मतलब ऊपर से नीचे आप टेक्स्ट कुछ राइट करना चाहें बिल्कुल वैसे ही। इसको ख़त्म करें, अपनी क्लास का कोर्स का नेम लिखें, क्रिएटिव लिख लें। चलिए, तो कुछ ऐसे जो है टाइप हो जाएगा, इसका फॉन्ट चेंज करें। ये जो फॉन्ट्स आ रहे हैं उर्दू वाले, इनकी कोई
वाला काम। ठीक है, इनको इस तरह से कर लें। ये आपने देखा होगा जो बैकग्राउंड इमेजेस लगे होते हैं उनके ऊपर बड़ी जो टेक्स्ट है इस तरह वर्टिकल ऐड किया होता है स्टाइलिंग के लिए, या कोई और चीज़ आप जो है डिज़ाइन कर रहे हैं उधर भी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आप इसको जो अपने पार्ट को छोटा बड़ा करना चाहें जैसे में आप स्पेसिंग देना चाहें इस तरह, वही आल्ट और अपने जो एरोज हैं टॉप जो टॉप और बॉटम एरोज हैं उनसे आप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट एरो से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट से नहीं टॉप और बॉटम वाले जो उनसे कर सकते हैं इसी तरह। कोई भी ऐड करना चाहें क्रिएटिव डिज़ाइनिंग ऐसे जो वर्टिकल टेक्स्ट लग रहा था। इसके बाद आगे जाएँ तो दूसरा टूल है, अच्छा वर्टिकल की आपको सेटिंग्स भी वही नज़र आएंगी। एक बार दोबारा सेलेक्ट करते हैं वर्टिकल मेरा, इसकी सेटिंग्स ओपन करनी है, डबल क्लिक कर रहे हैं आप नहीं हो ना, चलो छोड़ो इसकी भी अगर वही वाली सेटिंग है फॉन्ट वगैरह जो चेंज कर रहे थे आप वो कैसे करेंगे। अच्छा नेक्स्ट वाला आप जाएंगे तो वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये जिस तरह सिंपल हो रहा है आगे वाला वो है कि आपने जो एरिया सेलेक्ट करा है उसके अंदर वर्टिकली टाइप होगा, जिस तरह ये ऊपर वाला था एरिया टाइप टू सिंपल, ये हॉरिजॉन्टली आपका एरिया में हो रहा था और ये वर्टिकल जो है ये जो आप एरिया देंगे इसे सिलेक्ट करवा के उसमें वर्टिकल अलाइन हो जाएगा। यही ले पॉलीगॉन जैसे करें आप डिज़ाइन पॉलीगॉन, तो इधर इसमें एक इशू आता कि इसमें ना टेक्स्ट आपका रिवर्स हो जाए। ये वाला लें आप, ठीक है, तो इस तरह से आपका वर्टिकली लाइन हो गया, मतलब जो भी आप टेक्स्ट राइट करें वो वर्टिकली एडजस्ट कर लेगा खुद को। ठीक है, इसका फॉन्ट बड़ा करें। ठीक है, ये अगर देखें हम तो ये रिवर्स होता है, रिवर्स है ये, पता नहीं इसमें इन्होंने किस लैंग्वेज के लिए रखा हुआ है या इसमें बग है। ठीक है, ये इधर से रिवर्स ही हो रहा है, कुछ भी इधर टाइप करें इसको पहले ख़त्म कर लें। ये लेफ्ट से जो है राइट मूव हो रहा है, इसको जो है स्ट्रेट करने की ट्राई करता हूँ, ये वैसे काम नहीं है वो, जिस तरह से हो गया इसको दोबारा से करें। ये आगे जैसे आप ट्राई कर लें शायद जो है हो जाए आपका रिवर्स हो जाए, लेकिन ये पता नहीं किस लैंग्वेज के लिए इन्होंने रखा हुआ है, इसको एडजस्ट करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये आप देख लें कि वर्टिकल टाइप जैसे हॉरिजॉन्टल था हॉरिजॉन्टल एरिया में आ रहा था, ये इसी तरह वर्टिकल है, बाकी सेटिंग इसकी वही सेम बिल्कुल। क्या आपने इसमें रोज़ ऐड करना चाहें रोज़ कर सकते हैं, कॉलम ऐड करना चाहें ऐसे कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्पैनिंग स्पैन जो है ये ऐड कर सकते हैं कॉलम और करें, बाकी चीज़ें वही हैं जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए है। ठीक है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगी। तो इस तरह आगे चलें, किसी की कॉपी कर लेते हैं आर्टबोर्ड की, इसको ख़त्म कर रहा हूँ। या आगे चलें तो हमारे पास वर्टिकल एरिया हो गया, उसके बाद वर्टिकल एरिया टाइप टूल, वर्टिकल हो गया ये हो गया, उसके बाद है वर्टिकल टाइप होना पाथ। ठीक है, जो आपने पाथ दिया हुआ है ऊपर से नीचे या जैसे भी दिया हुआ, जिस तरह हॉरिजॉन्टल का था उसी तरह ये वर्टिकल का। तो कैसे, एक पेन टूल लें, उससे सिंपल एक लाइन लगा लें, या अपनी पेंसिल से या लाइन टूल से, चलो पेंसिल से लगा लेते हैं। पेंसिल सेलेक्ट की और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया ऊपर से नीचे बिल्कुल सिंपल वे, इसको थोड़ा सा स्ट्रोक लगा लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी आपका ये पाथ है,
उसके ऊपर आप लेके आना चाह रहे हैं। वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करें, ऐसे करेंगे, ये देखिए लाइन के ऊपर आपका वर्टिकल टाइप्स हो गया। पहले पाथ जो दिया होता था उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल हो रहा था, जो भी पाथ था इस रक्सर कलम में दिया था, अभी ये वर्टिकली चलेगा। ठीक है, ऐसे अभी टैक्स आपको क्यों बाई चला गया, क्योंकि आपके जो ये देखें पॉइंट्स हैं, बॉक्सेस लगे हुए हैं बाउंड्री, वो यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, पूरा लेके आना है, इसका साइज छोटा करना टैक्स का, ठीक है, या लाइन को जो है बड़ा करना। यहाँ पे रहने देखें, कोई सा भी पार्ट दे दें आप, उसकी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये वाली प्रॉपर्टी हुई फ्लिप वाली, वो आप देखें इसको रिवर्स करना हो, पहले आप सर्कल के इनसाइड आउटसाइड जा रहे थे, अभी फ्लिप करें इधर को, जैसे भी तो आपका टच भी इसने ऊपर से नीचे कर दिया, रिवर्स कर दिया, फ्लिप कर दिया। ठीक है, हाँ बाकी प्रॉपर्टीज इसकी सेम वही, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये इसको जल्दी से करें, पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो ये पाथ जो भी आप देंगे कुछ इस तरह से, ये कोई और पाथ ले लेते हैं। चलें ये आप खुद से ट्राई कर लें, कोई सा भी पाथ दे लें तो ये वर्टिकली टाइप से आप कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आपके पास है टच टाइप टू, ठीक है, शिफ्टी या फिर इधर से आप सिलेक्ट कर लें, ये क्या करता है, कोई सा भी आप इधर टैक्स लिखें, सिंपल टैक्स लिखते हैं इधर, ये आपने टैक्स लिखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं, थोड़ा बोल्ड कर लेंगे ये वाला। ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, अगर ये आप टूल यूज करें टच टाइप टूल, ठीक है, तो जो भी किसी भी आप टेक्स्ट के ऊपर एक बार क्लिक करें तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, नीचे भी आ रहा। ठीक है, इसको जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहें, कुछ ऐसे ए के ऊपर क्लिक करें एक बार, नीचे भी आ रहा है ये लिखा हुआ ये वाला। ठीक है, मतलब इसको साथ आ भी रहा है कि आप कैप्स में भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी ऐसे ही रहने। इसको नीचे ले आए, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा ये, जहाँ पे भी एक बार पहले क्लिक करना, उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। ऐसे वो आपने देखे होंगे बार किसी भी वो फनी टाइप चीज़ें लिखी होती हैं, किसी पोस्टर के ऊपर ऐसे वर्ड जो वो आगे पीछे हो रहे होते हैं, ग्राफिक्स आई नीचे भी आ रहा है, इसको जैसे भी कर दें। इसके बाद ये है, इसको लें। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक तो ये है कि आप इसकी जो लोकेशन है वो चेंज कर रहे हैं जहाँ पर, दूसरा आप इसको सिर्फ एस को, अभी एस सिलेक्टेड है, इसको सिर्फ आप देखें छोटा बड़ा भी जो है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक रहेगा, मतलब अभी आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैसे, ये आपका बॉक्स बना हुआ है, मीन्स ये आपका एस जो है ये सिलेक्टेड है। ठीक है, इसको बड़ा करना चाहें छोटा करना चाहें, इस सिर्फ इसी पे इफेक्ट होगा, कलर चेंज करना चाहें इसका कोई सा भी, ये इसी तरह डी की तरफ जाए, डिजाइनिंग की तरफ, ऐसे ही वन बाई वन जो है आप चल सकते हैं। डिजाइनिंग का आप को लग रहा है कि इसका फॉन्ट भी ऐसे बड़ा होना चाहिए, अब ये जी का भी बड़ा कर लेते हैं। डी का बड़ा कर लें, डी इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं सेंटर में, कुछ ऐसे। यहाँ पे भी आप करना चाहें, डी बड़ा हो गया है, ई को नीचे लेके आना चाहें, एस को इधर कर दें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, आई कर लें, जी को इधर कर लें, कोई सा भी जो भी आप चीज़ें इधर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये इधर ही रहने देते हैं,
इस तरह से कुछ वो आपके जो है पूरे डिज़ाइन के ऊपर जो है आप वर्ड्स को इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पैनल में आपको ज़रूरत पड़ गई है किसी भी चीज़ में, बाकी सेटिंग इसकी वही, बाकी आपका कुछ भी जो है ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, वैसे के वैसे ही आप टाइप करें जो भी करें तो आपका उधर ही आएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे था टाइप टू लेके आए हैं तो वैसे ही रहेगी इसकी सेटिंग। ठीक है, इनकी एडजस्टमेंट जो है वो अभी आपने कर ली है, जो टच आपका टूल है टच टाइप टूल से। ठीक है, इसी तरह आप इनको जहाँ पे भी चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंस इसके टाइपिंग टूल के, सारे इधर पड़ी हुई चीज़ें। बाकी कुछ पैराग्राफ भी हैं वो उनको भी देख लेते हैं, कोई सा भी आप पैरा टाइप करना चाहें इसी की कॉपी कर लेते हैं। एक भी कॉपी कर लें। ठीक है, पैराग्राफ के लिए आप वैसे तो यही होता है कि आप उसको एरिया देने वाले कि इतने एरिया के अंदर हमारा पैरा होना चाहिए। ठीक है, एरिया टाइप टूल सिलेक्ट करवा लें ऐसे कुछ इस तरह से। टेक्स रीडेबल नहीं है इसका, थोड़ा सा ऐसे बोलें। चलो ये वाला कर लेते हैं। ये कॉपी की है, वो नीचे चला गया क्योंकि आपका एरिया इतना दिया हुआ है, इसको बड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं ऐसे। ये आपका जो हिडन टैक्स है वो भी आ जाएगा, या टैक्स की सेटिंग हमने देखी। तो बाकी पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो आपको पता है, सारी इसके ऊपर आए एक बार पैराग्राफ की अलाइनमेंट। ठीक है, सेंटर करना है आपको, बॉटम करना है, जस्टिफाई करना है, जो सा भी आप जहाँ पे भी राइट करना चाहें वो हो जाएगा। इसके बाद ये स्पेसिंग का है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट से स्पेस है। ठीक है, यस फर्स्ट वाली, इधर से आप देख भी रहे हैं आपकी बाउंड्री से लेफ्ट स्पेस है, आगे वाली जो है वो राइट साइड से, राइट साइड से पहले लगी हुई है। ठीक है, इसी तरह ये बॉ, ठीक है, ये फर्स्ट फर्स्ट लाइन की जो है वो हो रही है। ठीक है, अगर नीचे जाए तो ये आपकी जो पैराग्राफ है, पैरा नंबर 1 ये था, उसके बाद सेकंड ये स्टार्ट हो रहा है, तो इनके दरमियान जो क्या आता है वो ये वाला। ठीक है, इनको आप कर सकते हैं एडजस्ट, जो जितने भी आपने जितना भी आपके 1 2 जितने पैराग्राफ हैं उनके दरमियान स्पेसिंग। ठीक है, और इसमें क्या है, और इसमें के लाल कुछ नहीं है, तो इधर से भी एक बार कर देते हैं इसे। ठीक है, बाकी फॉन्ट्स वगैरह वैसे ही जैसे सिंपल टच के लिए हैं, भी आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट। अच्छा, थोड़ी सी और हैं इसकी सेटिंग्स, वो भी देख लेते हैं करेक्टर्स की। ठीक है, वो उसके पैरा के ऊपर रहने देते हैं, करेक्टर पे देख लेते हैं जो हमारे पास कम वर्डिंग लिखी हुई है, या नया भी ले लेते हैं टेक्स्ट। पहले इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं टेक्स्ट की वो रह गई हैं, वो देख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं टाइप टूल, अच्छा अभी आप कंट्रोल टी प्रेस कर लें तो आपके पास करेक्टर्स की सेटिंग आ जाएंगी, या फिर इधर विंडो में जाएं तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा करेक्टर, आप देख लेना इधर ही कहीं नीचे पड़ा होगा। ठीक है, तो वैसे मुझे तो याद है इसलिए मैं इधर से कह रहा हूँ। करेक्टर्स की सेटिंग यहाँ पे भी आपको आ रहा है, जो ऊपर प्रॉपर्टी बार में शो हो रही थी कि आपने फॉन्ट कैसे चेंज करना है, रेगुलर है, इटैलिक है, कौन सा जो सा भी वो चेंज करना है, तो ये इसकी पहले सेलेक्ट करना है इसे। ठीक है, ये यहाँ से इसका साइज जो ऊपर आ रहा है ये वाला। ठीक है, और ये वाली इसकी स्पेसिंग है। अच्छा, ये इसको छोड़ा,
ये गैप है टैक्स का, जो आप कर रहे थे इधर से अपने ऑल्ट और लेफ्ट और राइट एरो से, ये वो वाली सेटिंग। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद इधर अपर और लोअर का होता है, वो भी किधर है। ठीक है, इसके नहीं आ रहा था फॉन्ट साइज रीडिंग। अच्छा, अभी आई हमारे पास ये ऑब्जेक्ट, तो इसका यही चलेगा। इसमें जो मोस्टली यूज़ होगी वो ये है, जो आप आल्ट और लेफ्ट राइट एरो से कर रहे हैं। ठीक है, वो आप उधर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जो आपके वर्ड्स हैं जैसे टाइप और टूल इन के लिए जो स्पेसिंग है, वो यहाँ से कंट्रोल होगा। ठीक है, इसी तरह। अच्छा, इसको बंद करते हैं, थ्रो टाइप करते हैं इधर, सॉरी। कोई और इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, ये वाले ले लेते हैं। वही पैरा की सेटिंग में जाएं दोबारा से, अपने करेक्टर की सेटिंग। ये वाली तो हो गई है सारी वाली। अच्छा, इसमें शायद वो ओल्डर वर्जन में था, यहाँ से इसको तो आप जो है कैप करना है, अपर लोअर में करना है, और इधर इसका काम नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक थी, इनमें से जो चीज़ें हैं टाइप टेक्स की, उनको जो है हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन आए तो वो हम बाद में भी इधर से आगे देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है, ठीक है, टाइपिंग टूल में उनको हॉरिजेंटल लिखना है, वर्टिकल लिखना है, टाइप ऑन पाथ करना है, ऑन वर्टिकल पाथ करना है, ऑन हॉरिजेंटल पाथ करना है, पैराग्राफ में स्पेसिंग कैसे करनी है, ठीक है, उनमें गैप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें जो है जो हमारे यूज़ की हैं वो हमने सारी अभी देख ली हुई। ठीक है, कोई रह गई हो जो जिनका यूज़ ना किया हो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हो इस टाइप टूल में, ठीक है, तो वो डिस्कस कर सकता है।